हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो भी नॉर्थस्ट क्वालिफाई किए, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी देखिए, 4 नवंबर को ये अपलोड हुआ है। अब ये नॉर्थस्ट की जानकारी है। नॉर्थस्ट का जो एग्ज़ाम था, आप सबने दिया है, जो भी दिया है। 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया था। वो ऑल इंडिया बेसिस में ऑलमोस्ट 12,000 जैसा उन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला। बट अभी प्रोसेस आया कि आपका इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे और भी जानकारी है। नॉर्थस्ट का जो पोस्ट मिलेंगे, टोटल 60 नेम्स है, सब में एक जैसा ही है। 7th लेवल रहेंगे एंड 9,300 से 34,800 प्लस 4,600 ग्रेड पे मिलेंगे। मीन्स 70+ सैलरी मिलेगा सभी में। एंड यहाँ पे देखिए, जो भी क्वालिफाइड है उनके लिए है वैकेंसी, उनके लिए है वीडियो। आपको 3 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज पर नॉर्थस्ट रैंक। तो फिलहाल आपको 7 to 20 नवंबर तक आपको फर्स्ट स्टेज ही करना है। 20 के बाद ही आपका सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज शुरू होंगे। सो पहले आप देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। स्टेज 1 में आप पहले एम्स का वेबसाइट में जाएंगे। एम्स का वेबसाइट में जाने के बाद आप अपना, जैसे ही फॉर्म फिलअप करने का टाइम लॉगिन किया, इसमें यहाँ पर ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएंगे अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट। उसमें टोटल 60 नेम्स ये भी लिखा रहेंगे एंड चूज ऑप्शन में 0 रहेंगे और नीचे 60 नेम्स का लिस्ट रहेंगे। आपका अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप चूज़ करना है। आप कोई भी एक एम्स में ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, बट ये भी डिपेंड करते हैं आपका रैंक कितना है। रैंक पीछे है तो भी रिस्क रहता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे मल्टीपल एम्स भी चूज़ कर सकते हो। जिनके पास ऑलरेडी एम्स का जॉब है तो उनको कोई भी अपना होम टाउन में चाहिए तो एक ही ऑप्शन चूज़ कीजिए। जिनको आपको कोई भी जॉब मिल जाए तो सही है, देन यू कैन चूज़ मल्टीपल ऑप्शन। सेकेंड दिन वहाँ जाके आपको एक्सेस पोर्टल फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट वहाँ पे चूज़ करने के बाद सेव कर लेना है। अप्लाई द इंस्टीट्यूट फॉर द चॉइस 1 और मेनी। सी, आपको 1 और मेनी दोनों कोई भी कर सकते हो। ये आपको अभी आपके काम यहाँ तक है। बट आपका सेकेंड जो भी नोटिफिकेशन आएगा सेकेंड स्टेज के लिए, अभी नहीं, 20 के बाद ही रहेंगे, ध्यान देना। फिर वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा मिला है। देन यू आर सेटिस्फाइड, यू कैन कंटिन्यू। अगर नहीं है, आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में बैठना है, तो आपको 25,000 आपको एम्स का अकाउंट में डिपॉजिट करना है। वो रिफंडेबल है, फिर से रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आगे देखिएगा। फिर आप सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी आपकी ओन चॉइस के हिसाब नहीं हुआ तो यू कैन सेट इट। अगर आपको सेम हो गया देन ऑफर द इंस्टीट्यूट होना है सेकेंड में। थर्ड स्टेज में क्या होना है कि आपको एक्सेप्ट करना है। देन एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूशन में। सो मैं वो भी बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेट्स सी, यहाँ पे स्टेज 1 की डिटेल्स बताया। यहाँ पे स्टेज 2 में क्या करना है आपको बताया है, जिसमें आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। सो यू कैन सी हियर स्टेज 3 में, उसमें भी ऑप्शन 1 एंड 2 आएंगे। उसमें आपको एक्सेप्ट और विश करना है, फिर सेकेंड पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर जो बताया था 25,000 पे करके काउंसलिंग बैठना है। वो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आपको फिर से ऑप्शन चूज़ नहीं हुआ, आपके आपका चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिला, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 चूज़ करना है। फिर यहाँ पे 25,000 देना है। सो इस बैंक्स का डिटेल्स है, डेली एम्स का। फिर आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, बट इस रिफंडेबल है। और भी आपको करने से पहले जानकारी देखना है तो वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वो भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ है, आप सारी चीज़ आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए थर्ड स्टेज में। फर्स्ट आपके पास रिजल्ट होना चाहिए नॉर्थस्ट का। अब उसका प्रिंटआउट निकाल देना, आपका जो परसेंटेज मिला वो इसी का। सेकेंड, आपको कॉपी ऑफ डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होंगे, जिसमें आपका फॉर्म है। सेकेंड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके ईमेल में कोई जगह पे तो होंगे। एडमिट कार्ड का भी कॉपी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड उसमें भी ST, SC, OBC, WSB है आप, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। सो नेक्स्ट है कि आपका कोई भी PWD है उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ऑलरेडी, देन NOC ऑल्सो यू हैव टू गिव। देन आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
आपका INC और स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का जो भी सर्टिफिकेट हो भी देना है, एक्सपीरियंस इफ एनी अगर आपके पास है देन यू कैन, तो फाइनल सबमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी फर्स्ट आपको फर्स्ट टेस्ट करना है, देन यू हैव टू चूज इंस्टीट्यूट। देन होप फॉर द बेस्ट, गुड लक, हैव ए गुड डे।